140 की स्पीड 3 मिनट की लिखें। बोझ बढ़ाना नहीं चाहता, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उस के आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इसी स्तर पर रखा, जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते थे, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है सह अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमेरिकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए, लेकिन यदि हम ऐसा ना करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम कोई प्रश्न उठाएं तो यह देखें कि हम इसमें से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का मूल्य क्या हो, महंगी पड़े या सस्ती पड़े, इसको हमें विशेष नहीं देखना है। गांधी जी ने कितनी ही बार हम लोगों को यह बात समझाई कि मूल्य किसी चीज़ का रुपए पैसे में क्या है, यह कोई महत्व की बात नहीं है। आप जानते होंगे कि एक वस्तु जो कि हमारे देश में बहुत सस्ती मिलती है, वही वस्तु दूसरे देश में महंगी मिलती है। इतना निवेदन करने के स्टॉप लिखी गई।